दोस्तों, अगर आपके फोन का स्पीकर खराब हो गया है, बहुत ही कम आवाज देता है, या फिर कई बार होता है ना, पानी चला जाता है फोन के स्पीकर में, या फिर डस्ट चला जाता है जिसकी वजह से बहुत ही स्लो आवाज आती है हमारे फोन के स्पीकर से, तो अगर ऐसी कोई दिक्कत है ना गाइस, दो कमाल की ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप तुरंत अपने फोन के स्पीकर को एकदम नया जैसा बना सकते हो। या फिर मान लीजिए आपके फोन का स्पीकर नया है, बिल्कुल सही है, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी आवाज नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो को पूरा देखो गाइस, 200% आप अपने फोन के स्पीकर को बहुत ही लाउड बना सकते हो, बहुत ही तेज आवाज आने लगेगा सिर्फ दो ट्रिक को यूज करने से। तो उसके लिए बस आप इस वीडियो को क्या करो, लाइक कर दो एंड कंटिन्यू गाइस इस वीडियो को देखते रहो। सो गाइस, आइए मैं आपको दोनों ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे गाइस आपको दोनों ही ट्रिक को फॉलो करना है ताकि आप अपने फोन का ये जो स्पीकर है गाइस उसे बिल्कुल नया जैसा बना सको एंड एकदम अच्छी क्वालिटी में आपको साउंड मिलने लगे। तो सबसे पहली ट्रिक ये है गाइस कि अगर मान लीजिए आपके फोन के स्पीकर में बहुत ज्यादा डस्ट चला गया है, पानी चला गया है, या फिर होता है ना कई बार ये जो मतलब कि थोड़े थोड़े स्पेस है ये पूरा ब्लॉक हो जाते हैं जिसकी वजह से दोस्तों अच्छी साउंड क्वालिटी नहीं आती, तो इन सब चीजों को आपको क्लीन करना है। क्लीन कैसे करोगे उसके लिए गाइस एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको दिखा देता हूं। उसके लिए बस आपको क्रोम ब्राउजर में आना है एंड यहां पे दोस्तों आपको सर्च करना है फिक्स माय स्पीकर। ये जैसे आप लिख के सर्च करोगे गाइस, पहले ही नंबर पे आपको एक वेबसाइट दिख जाएगी, आप देख सकते हो। सिंपली गाइस आपको इसके ऊपर आ जाना है। यहां पे आने के बाद ना दोस्तों यहां पे आप देखोगे तो एक बोल सकते हो बबल सा बना हुआ है, आप देख लीजिए, पानी के लिए भी है एंड डस्ट के लिए भी है। तो इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है, लेकिन इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले अपने फोन का जो ये स्पीकर होता है ना इसे आपको फुल करके रखना है। यहाँ पे आप देख लीजिए, लेकिन अगर मैं फुल करूंगा तो काफी तेज तेज साउंड आएगी एंड माइक में नॉइज आएगा, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। सो गाइस आपने देखा ऐसा कुछ जो है बहुत ही तेज लाउड साउंड निकलेगा, जिससे दोस्तों क्या होगा आपके फोन के स्पीकर में जो भी चीजें ब्लॉक हो गई रहेंगी वो सब दोस्तों बाहर आ जाएंगी। काफी तेज साउंड आती है जिससे दोस्तों हमारे फोन में अगर पानी गया है या फिर मान लीजिए डस्ट बहुत ज्यादा जाम कर दिया उसको, तो दोस्तों आपका पूरा का पूरा जो स्पीकर है ना ये क्लीन हो जाएगा। तो इससे क्या फायदा होगा, आपके फोन का स्पीकर का जो रास्ता है वो काफी क्लीन हो जाएगा एंड काफी तेज साउंड आनी शुरू हो जाएगी। तो ये तो हो गई पहली ट्रिक। मान लीजिए आपके फोन के स्पीकर में कुछ भी नहीं हुआ है, सारी चीजें परफेक्ट है, फिर आप अपने फोन के स्पीकर को कैसे आप मतलब कि बोलते हैं ना कैसे फिक्स करोगे। तो ये करने के बाद दोस्तों आपको इसे मतलब कि बंद कर देना है, नहीं तो ये चलता रहेगा। यहां पे आप देख लीजिए मैंने इसे बंद कर दिया। उसके बाद अब मैं आपको दूसरी ट्रिक बताने वाला हूं। दूसरी ट्रिक के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है। यहां पे आप देख सकते हो ये बहुत ही ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, तो मैं आपको बता रहा हूं गाइस, मैंने इसकी पूरी रेटिंग से लेकर सारी चीजें चेक कि उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं, खुद यहां तक की ट्राई किया। इसे सबसे पहले कैसे इंस्टॉल करना है वो सब मैं आपको बता दूंगा। यहां पे आप देख लीजिए इसे ओपन करना है, ओपन करने के बाद दोस्तों ये थोड़ा सा लोड होगा तो स्टार्ट माय ट्रायल दिखाई देगा, तो इसे आपको कट कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहां पे आपको वार्निंग दिखाई देगी तो आप इसे रीड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं सारी चीजें, टेंशन मत लो। तो सबसे पहले गाइस यहां पे आप देख सकते हो काफी सारी चीजें दी गई है, तो यहां पे दोस्तों आपको बूस्ट मिल जाएगा, तो इस बूस्ट को ऐसे कुछ जो है इंक्रीज करते हैं, लेकिन ये यहां पे आप देख लीजिए ओके, सो 30 के बाद दोस्तों क्या होता है ये रेड में आना शुरू हो जाता है, रेड कलर में हो जाता है। देख लीजिए ये रेड कलर में हो रहा है, रेड कलर में यानी कि आपके फोन के स्पीकर में रिस्क है, तो आपको रेड कलर की तरफ नहीं जाना है। ज्यादा ज्यादा आपको 30% बूस्ट करना है अपने फोन के स्पीकर को। अगर आप पूरा का पूरा 100 कर दोगे ना गाइस, तो आपके फोन का जो स्पीकर है 100 तो नहीं 60% होता है, तो ये पूरा का पूरा जो फुल कर दोगे तो आपके फोन का जो स्पीकर ये फट सकता है। तो इसलिए दोस्तों आपको स्टार्टिंग में वार्निंग शो हुई थी, तो आपको इसे क्या करना है 30% करना है, ताकि दोस्तों आपके फोन का जो स्पीकर है ना वो एकदम आराम से काफी लाउड साउंड दे सके। ये दो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो में, दोनों ही ट्रिक को आपको फॉलो करना है। एंड यहां पे टर्न ऑन इक्वलाइजर है, तो इसे ऑन कर दीजिए अगर आप ऑन करना चाहते हो, लेकिन ये पेड में है तो फिर कोई फायदा नहीं इसे ऑन करने का, जान दीजिए। एंड उसके बाद दोस्तों सेटिंग में आ जाइए, सेटिंग में आने के बाद यहां पे शो वॉल्यूम कंट्रोल है, इसे आपको क्लिक कर देना है एंड बैक चले जाना है। यहां से दोस्तों आप अपना जो ये
वॉल्यूम है इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, इसे फुल करोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ जो बूस्ट है इसे दोस्तों आपको 30% रखना है, अगर फिर भी नहीं बूस्ट हुआ ना गाइस तो थोड़ा सा और आप इसे जो है यहाँ से बढ़ा सकते हो थोड़ा बहुत, तो आपको पता चल जाएगा कितना आपको बूस्ट करना है अपने फोन के स्पीकर को। मतलब कि आप इसे नॉर्मली कर सकते हो 30-40% तक आपके फोन के स्पीकर को कोई भी डैमेज नहीं होगा, लेकिन अगर आप फुल कर दोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो आपको चेक कर लेना है आपके फोन का स्पीकर कितना मतलब कि सह सकता है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे करनी है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो यार फटाफट लाइक कर दो, वेट क्यों कर रहे हो। अब मैं आपको बता देता हूँ इस एप्लीकेशन को आप कैसे इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर पर आइए, स्पीकर बूस्ट आपको लिखना है, पहले नंबर पर यह एप्लीकेशन लिखने को मिल जाएगी। रेटिंग आप देख लीजिए 4.1 की है, 10 मिलियन से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है, तभी दोस्तों मैं आपको इसे सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये वर्क करती है। एंड दोनों ही ट्रिक को अगर फॉलो करोगे ना गाइस तो आपके फोन के अंदर जो मतलब कि जो भी डस्ट गया रहेगा वो सब क्लीन हो जाएगा एंड स्पीकर काफी लाउड हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जाते जाते लाइक कर देना, नए व्यूअर हो तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।